ईरान में एक लड़की के मरने के बाद वो देश की हीरो बन गई है। देश भर में महिलाएं सड़कों पर बाहर निकल आई हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, आज उसी वजह से ईरानी सत्ता हिल रही है और अब तक कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। ऐसे में अभी भी ईरान में हिजाब का विरोध जारी है और उस लड़की का नाम है महसा अमीनी, जिसके लिए न्याय की मांग की जा रही है। अमीनी की मौत के बाद भड़की आग अभी तक शांत नहीं हुई और ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड संबंध कानून का काफी विरोध जारी है। उसी कड़ी में अब ईरान की महिलाओं ने ईरानी मौलवियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बताते हैं कि मामला क्या है। तो देखा आपने कि हिजाब की आग कैसे महिलाओं के अंदर भड़क रही है। जब ईरान के एक शहर में एक मौलवी सड़क पर जा रहे, पीछे से आ रही एक दौड़ती हुई लड़की मौलाना की पकड़ी को हाथ से मारकर गिरा देती है और फिर तेजी के साथ दौड़ती हुई आगे बढ़ जाती। जानकारी देते चले कि अमीनी की हिरासत में मौत के बाद 1979 से देश को चलाने वाले मौलवी जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। मौलवी शासकों ने कहा कि चल रहे विरोध प्रदर्शन इस्लामिक रिपब्लिक की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे। इस बीच जैसे ही ईरान के सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ प्रदर्शन सातवें हफ्ते में प्रवेश कर गया और इस तूफान को रोकने के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और राष्ट्रपति की चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ ईरान से उठा तूफान दुनिया में पहुंच रहा है और ईरानी लड़कियों और महिलाओं के समर्थन में दूसरे देश के लोग सामने आ रहे हैं। 17 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद बेहद आक्रामक होता जा रहा है। ईरान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन हिजाब क्रांति को लेकर लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान में अब बस एक ही शोर, हिजाब नो मोर। वहीं ये शोर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि स्वीडन से लेकर कनाडा और तमाम अरब देशों में भी सुनाई देने लगा। हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं का साथ देने के लिए अलग अलग मुल्कों में महिलाएं सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, सीरिया और कनाडा समेत कई देश हिजाब को लेकर मुखर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। देखना होगा कि ईरान सरकार झुकती है या महिलाएं रास्ते से हटा दी जाती हैं।